हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू वदंती केरला। हमारे मेदुवड़ा का रेसिपी बहुत लोगों ने ट्राई करके अच्छा हुआ करके मेरे को कमेंट दिया था और बहुत लोगों ने सांभर का रेसिपी भी पूछा था। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ केरला का वदंती सांभर का रेसिपी। ये रेसिपी में स्पेशल सांभर मसाला कुछ भी ऐड नहीं करते, हमारे घर की सादा मसाला वगैरह डाल के कैसे सांभर बनाती हूँ मैं आप लोगों के लिए दिखाती हूँ और इसमें फ्लेवर लोग कैसे करते हैं वो भी दिखाती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, हम सांभर बनाती हूँ। सांभर बनाने के लिए चाहिए 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, आधा कप तुवर दाल, 2 टेबलस्पून नारियल का ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, 1 टेबलस्पून मेथी पाउडर, आधा टेबलस्पून हिंग पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून राई, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और हमको चाहिए करी पत्ता 2, लॉन्ग यार्ड बीन्स और फ्रेंच बीन्स 50 ग्राम, धनिया पत्ता 20 ग्राम, ड्रमस्टिक बड़ा वाला है तो 3 से 4, टमाटर 2, भिंडी 6, बैंगन 2, कच्चा केला 1, बड़ा वाला गाजर 1, बड़ा वाला आलू 1, मीडियम साइज प्याज 1, सांभर काकड़ी 200 ग्राम, गार्लिक 6-7 हर्ब्स, ग्रीन चिल्ली 3। पहले हम सांभर दाल वाश करके पानी में 20 मिनट्स भिगा के रखते हैं, तब तक हमारा वेजिटेबल्स कट करके रेडी करते हो। पहले बैंगन और केला कट करके इसका दाग निकालने के लिए 10 मिनट पानी में डाल के रखती हूँ। हमारा पूरा वेजिटेबल लगभग ऐसा कट करना चाहिए। आप लोगों को साइज समझने के लिए चीज़ क्यूब का साथ रखा है। बाकी वेजिटेबल्स भी कट किया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ऑथेंटिक सांभार में और 2-3 वेजिटेबल्स भी चाहिए था, लॉकडाउन का वजह से मेरे को नहीं मिला है। अगर आप लोगों को ऐड करना है तो कद्दू और सोरन भी 200 ग्राम तक ऐड कर सकते, ये भी सांभार का जरूरी वेजिटेबल्स है। एक कुकर में हम भिगा के रखा हुआ दाल पानी के साथ डालती हूँ और इसमें ड्रमस्टिक छोड़ के बाकी वेजिटेबल भी डालती हूँ। थोड़ा करी पत्ता, थोड़ा धनिया पत्ता, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और आधा कप पानी भी डालती हूँ। उसके बाद अच्छा से मिक्स करके कुकर बंद करके गैस ऑन करती हूँ। गैस फुल फ्लेम में 2 विसिल तक देखते और ड्रमस्टिक दूसरा बर्तन में पकाती हूँ, क्योंकि ड्रमस्टिक कुकर में डाला है तो ज़्यादा पक्का हो जाएगा इसलिए। अभी 2 विसिल हो गया, अभी गैस बंद करती हूँ। 5 मिनट के बाद ओपन करके देखते हैं। देखो, हमारा वेजिटेबल अच्छा से पक गया है। अभी दूसरा कढ़ाई में ड्रमस्टिक भी देखो अच्छा से पक गया। अभी हमारा वेजिटेबल के साथ ये भी डालती हूँ और इसमें मैं इमली का रस नहीं डालते, क्योंकि टमाटर का अच्छा खट्टा वाला टेस्ट है इसमें, इसके लिए। अभी हमारा मेन स्टेप है सांभर का तड़का बनाने का। तड़का बनाने के लिए मैं कढ़ाई गरम करती हूँ। कढ़ाई गरम हो गया, इसमें मैं कोकोनट ऑयल डालते। आपको चाहिए तो कौन सा भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते। ऑयल भी अच्छा से गरम हो गया, पहले मैं राई डालती हूँ। राई फूटने के बाद इसमें क्रश्ड गार्लिक, सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता भी डाल के एक बार मिक्स करती हूँ। अभी हम बाकी मसाला भी ऐड करती हूँ। पहले धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल रहे, मेथी पाउडर और हिंग पाउडर अभी आधा डाल दीजिए, बाकी आधा हम फ्लेवर लो के लिए रखती हूँ।
मसाला का कच्चा टेस्ट जाने के लिए एक मिनट अच्छा से मिक्स करती हूँ। याद रखना, मसाला ज़्यादा जलना नहीं चाहिए क्योंकि सांभर का टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। अभी तड़का रेडी हो गया, अभी ये हम इसका साथ मिक्स करती हूँ। सांभर में आपको खट्टा टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो इमली का रस निकाल के डाल सकते हैं। अभी हमारा फ्लेवर लॉक का स्टेप बाकी है। इसके लिए हमारा बाकी मेथी पाउडर, हिंग पाउडर, हाफ टी स्पून ऑयल और धनिया पत्ता भी डालती हूँ। कुकर में पूरा लॉक नहीं कर रहे हैं, ऐसे रखे गैस फुल फ्लेम में डाल के एक बार सांभर उबालती हूँ। देखो, हमारा ऑथेंटिक टेस्टी सांभर रेडी हो गया। ये रेसिपी आप लोग भी ट्राई करके मेरे को कमेंट दीजिए। आज का वीडियो आप लोग को पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक टाटा, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।